पंजाब जिक्रपुर से मनोज जी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सवाल पूछ रहे हैं। 195 शेयर 76 की खरीद पर इनके पास है। खरीद तो इनकी अच्छी है, मुनाफे में भी है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हालांकि आज कमजोरी है, क्या रही गिराए स्टॉक पर आपकी? मुझे लग रहा है जो हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक का मोमेंटम है, जो पहले 5-6 दिन स्टॉक 150-155 तक चला गया था, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई और काफी पिछले कुछ दिनों में काफी सुर्खियों में भी रहा है ये स्टॉक कुछ क्वालिटी को लेके, तो उसके वजह से थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा दबाव है ये स्टॉक पे। बट ओवरऑल जब तक ये 104-105 का लेवल स्टॉक होल्ड करता है, जो की पिछले 10-12 दिन का इसका एक इंटरमीडिएट बॉटम है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, 105 के नीचे ही इसमें ब्रेकडाउन आ सकता है, जो कि स्टॉक को 90-92 तक लेके जा सकता है। अगर आपका अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है ओला में और उनको ईवी में एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो यही एक प्योर प्ले है ईवी के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है आप यहाँ पे बने रहे। अगर और डिप्स पे इसको एड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। बट ये थोड़ा बहुत जो खाली न्यूज में अभी है फिलहाल स्टॉक के जो काफी शोरूम्स में जो क्वालिटी के रिलेटेड काफी इश्यूज हुए हैं, तो बस मुझे लग रहा है थोड़ा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो कंपनी फिर से अपना जो एक पुरानी जो चाल थी पहले स्टार्टिंग में जो हमने मोमेंटम देखा था वो फिर से लौट आएगा। तो कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है ये स्टॉक, तो बने रहे, पैनिक ना करें और होल्ड करें इसे।